नमस्कार दोस्तों, एबीएल मशीन में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों आज आप सभी के बीच में प्रस्तुत करती है एबीएल मशीन एक और नए अवतार के साथ, जिसका मॉडल है AB1800 लॉयन सीरीज और जिसके अंदर एबीएल मशीन ने कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज करी है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है मोहम्मद समीम जी और मोहम्मद मोहसिन जी, जो कि महिंद्रा 265 ट्रैक्टर के साथ एबीएल मशीन का मॉडल AB01800 लॉयन सीरीज जिन्होंने लिया है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवाल और जवाब और कुछ इनके अनुभव हम सब आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि ये सवाल और जवाब का जो प्रक्रिया है ये आपको कैसी लगी। दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मोहसिन जी और समीम जी, आप सभी का स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहले भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोहसिन जी और समीम जी पूरे भारतवर्ष के अंदर घूमे हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भी कंपनियां लोडर बनाने वाली हैं उनके अंदर गए हैं और अपने अनुभव साझा किया है। अंत में ये हमारे पास आए हैं, और मैं आपको ये बताने में मेरे को खुशी का अनुभव हो रहा है कि जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने हमारे बारे में बहुत सारी बुराइयां भी की होंगी, परंतु जब ये हमारे प्लांट में विजिट करके गए तो ये हमारी गुणवत्ता से, हमारी क्वालिटी से, हमारे वर्ल्ड क्लास के इनपुट से इतने ज्यादा प्रोत्साहित हुए कि ये पूरे भारतवर्ष में घूमने के पश्चात हमारे पास आए और उन्होंने हमें ये कहते हुए हमारा उत्साह बढ़ाया है कि भाई साहब जो क्वालिटी हमने एबीएल मशीन के अंदर देखी है वह पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं भी नहीं है। जो सिलेंडर की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास की आप देते हो, जो सिलेंडर आप लगाते हो, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी मशीन के अंदर नहीं लगे हैं। गेट्स विद गेट्स एंड फिटिंग की जो होस पाइप आप यूज करते हो वो अमूमन तौर पे लोग यूज नहीं करते हैं। जो हैवी ड्यूटी का फैब्रिकेशन आपने अपने ट्रैक्टर में लगाया है, लोडर में लगाया है, वो दूसरे लोग यूज नहीं करते हैं। कुल मिला के इन्होंने हमारा उत्साह भी बढ़ाया और खुद भी प्रेरणा स्रोत होके आए कि जिस तरीके की क्वालिटी हम देते हैं वो दूसरे लोग नहीं देते हैं। दोस्तों तो समीम जी और मोहसिन जी आपका स्वागत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पूरे भारतवर्ष में घूमे हैं, आपने बहुत सारी कंपनियों के लोडर देखे हैं, तो आज आप हमें बताइए कि पूरे भारतवर्ष की कंपनियों के लोडर देखने के बाद आज हमारे आप बीच में कैसे आए, और जो ये हमने एक नई टेक्नोलॉजी लगाई है स्टेबलाइजर सिलेंडर की, जो फुट पे खड़ी हो जाती है, जिसके दो तीन फायदे हैं कि ट्रैक्टर ऊपर हो जाता है, अगर पंचर हो गया तो स्टेबलाइजर ऊपर करके पंचर आसानी से लग जाता है, कहीं फंसा हुआ होता है ट्रैक्टर तो वो भी निकल जाता है, कांच की फैक्ट्रियों के लिए स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट है, इन सभी के और फायदे बताएं, और आप ये बताएं कि आप पूरे भारतवर्ष में घूम के एबीएल मशीन पे आखिरी में क्यों आए साहब। इसलिए मैंने आपका जो है काम देखा, 66 ट्रैक्टर पर जीसीबी लगी हुई थी, उसका डीजल का फायदा देखा, उसकी सर्विस देखी, उससे मैं संतुष्ट हूँ जी। और मैं आया था RGM की कंपनी पर, तो वहाँ मैं संतुष्ट नहीं हुआ, इस काम को करने से मना भी कर दिया। हम आपके पास आए, आपसे बात की, आपसे पूरी संतुष्टि मिली और मेरा काम भी हुआ जी। वो बिल्कुल, हम बिल्कुल आपसे संतुष्ट हैं और आपका बहुत नंबर वन काम है, मैंने सारी चीज इसमें देख ली है और सब बिल्कुल सही है। जो चीज़ बताई थी वो चीज़ लगाई, इस बात से बहुत खुश हूँ जी। चीज़ हमारी लिखती थी, बातचीत हुई, वही चीज़ इसमें लगाई गई और वही चीज़ हमने पाई इसमें, और हर चीज़ एकदम ठीक ठाक है, सही है सर। तो मोहसिन जी आप ये बताइए, पूरे भारतवर्ष के जो लोडर बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे हमारे अंदर क्या खास है, क्या अलग बनाता है हमें? आपका खास है ये कि आपका जो फिनिशिंग है और जो है मजबूती है वो बहुत अच्छी है। तो मुझे भी जो है इस ट्रैक्टर की दुनिया में करीब 35 साल हो गए हैं, इसमें हमने जो आपका काम देखा है तो आपका अच्छा काम है, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो ये मोहसिन जी, हम समीम जी हैं जो फिरोजाबाद से हैं, फिरोजाबाद कांच की नगरी है, कांच का हब है, और ये जो लोडर है हमने स्पेशली कांच की फैक्ट्रियों के लिए डिजाइन किया है और उन भाइयों के लिए डिजाइन किया है जिसका ट्रैक्टर फंस जाता है नहीं निकलता, और उन भाइयों के लिए डिजाइन किया है कि जिसका ट्रैक्टर पंचर हो जाए वो पहले जैक लगाएगा, जैक को बंद करेगा, जैक को खोलेगा, फिर वो सारे तमाम काम करेगा। हमने एक ऐसा हाइड्रोलिक सिस्टम दे दिया है कि पलक झपकाते ही वो अपने टायरों को खोल सकता है और दूसरे टायर लगा सकता है, पलक झपकते ही ट्रैक्टर अगर कहीं फंस गया तो उसे निकाल सकता है, पलक झपकते ही कोई कांच की फैक्ट्री है तो उसमें अपने टायरों को नुकसान किए बिना कांच को लोड कर सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को जिसका नाम ट्रैक्टर लोडर एबीएल मशीन्स है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम दिन प्रतिदिन अपनी गुणवत्ता में
सुधार ला सकें, उसे आपकी आपके अनुसार उस क्वालिटी पे खरे उतर सकें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। Gracias.